ओम शांति। आज 3 सितंबर 2023 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 25 नवंबर 1995 और मुरली की हेडलाइन है परमत, परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और परोपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है, जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, तो खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना, तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, चाहे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। बाबा को अपने बच्चों पर नाज, सब बच्चे बाबा के एक समान तो नहीं, लेकिन बाबा पिता हैं, तो पिता के नाते हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता बाबा देखते हैं। ये बाबा की ग्रेटनेस है। हम आत्माएं तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाबा की विशेषता कि बाबा हर बच्चे को विशेष समझते हैं। फिर बाबा ने कहा, चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। फिर बाबा ने बताया, कंपैरिजन किया है कि यहाँ छोटे बच्चों से भी पूछेंगे तुम कौन हो तो क्या कहेगा, आत्मा हूं कहेगा। फिर बाबा ने कहा कि आप लोगों का शुरू बाबा ने हमको बतलाया, एहसास कराया कि दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने ही ज्ञानवान हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हम कौन हैं। एक गीत था शुरू शुरू का, बाबा ने बताया, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अलफ को नहीं जाना, तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना, तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष की आयु वाला भी वाली भी निश्चय बुद्धि होगी, तुम ढूंढते रहते हो, हमने तो पा लिया। तो बाबा ने फिर कहा, प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे, आग कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है, अपवित्रता पर धर्म है लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसा भी करते, बाबा ने स्पष्ट किया कि आपका जो स्वधर्म है वो पवित्रता है। बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि ये नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की, बाप से की ना। बाप
का फरमान है ना, तो बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में एक जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए, ये भी भाग्य की बात है ही, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। बाबा समझदारी दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी जो तकदीर है, तुम तकदीर जगी है, उस तकदीर को तुम बढ़ाओ, अलबेले होकर के उसको खराब नहीं करो। देखो कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं, सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए नहीं, 1 साल चले, 2 साल चले, ये नहीं, अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रलब्ध प्राप्त होती है। फिर बाबा ने कहा, आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है, तो उसका कारण क्या है? बाबा ने समय को बहुत महत्व दिया है संगम पर, और बाबा चार्ट जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कई बच्चे जो हैं समय को व्यर्थ गंवाते हैं, और बाबा कहते कहीं आधा घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट गंवाते हैं तो उसका एहसास भी नहीं होता कि हम गंवा रहे हैं। तो बाबा ने 3 कारण बताए। पहला है, चलते चलते श्रीमद के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ना कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उसके ऊपर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई बात ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं आत्मचिंतन करने के बजाय पर चिंतन में लग जाते हैं, सुनते हैं परमत में, तो अब आपने उस पर फेथ रख, उसकी बात सुन ली, माना, अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, क्या ये फरमान है? नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो वो समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम तो वेस्ट हुआ ना, और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली, मानो एक बार आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये तो पता पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास ही आएगा। आपके पास आएगा, तो आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए। फिर बाबा ने कहा, तो इसलिए फुल स्टॉप लगाना, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाना। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो, इतनी पावर आप में है, तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। फिर बाबा ने कहा कि इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। फिर बाबा ने कहा कि तो जो टाइम वेस्ट करता है, एक कारण है परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता, वर्णन में आ जाते हैं। अगर दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या, बाबा को सब पता है बच्चे क्या करते हैं।
समझो आपने चार को सुनाया, उन चार की भावना उस आत्मा के प्रति खराब तो की ना, और पर चिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। पर चिंतन 2 सेकंड में पूरा नहीं होता, जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ, पहले ये हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी इंटरेस्टिंग होता है, उसमें दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हो हुआ होगा, तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। तो बाबा ने कहा, तो दूसरी बात बाबा ने कही, परचिंतन उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा, कोई भी बात होगी पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और पर चिंतन वाले बात बनाने में नंबर वन होते हैं, पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। कितना अच्छा बाबा ने स्पष्ट किया है। वास्तव में बाबा ने अंगे अखरे एक एक बात बताई है जो बच्चे करते हैं, इसमें स्पष्टीकरण की ज्यादा जरूरत नहीं है। आजकल कई समझते हैं हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है मेरे को क्यों नहीं, सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है, इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे ये साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टांस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, तो वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? उससे बाबा कहते सेवा ना करना ज्यादा अच्छा, जिस सेवा से आपकी स्थिति हलचल में आ जाए। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से, मेरा नाम आ जाए, मेरा अखबार में फोटो आ जाए, मेरा टीवी में आ जाए, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाए, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी पूछेगी, ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी, शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे। तो बाबा ने कहा, तो जो सच्चा सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो, और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से अपने चलन से सेवा करो, आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलावे, ये सेवा नंबर वन है। फिर देखिए बाबा ने सब बातों का सार बता दिया, सेवा कोई करे ना करे लेकिन चलन और चेहरे से आप सेवा करें वो सबसे नंबर वन। और बाबा ने तीसरी बात बताई, परदर्शन, दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है, परदर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही जाएगी, और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार बाबा ने हमें परोपकारी बनने के लिए कहा कि आज ये पाठ पक्का हुआ, परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो और एक बात को धारण करो, उपकारी बनो, परोपकारी बनो, तीन बात की पर को खत्म करो और एक पर, परोपकारी बनो। बाबा ने आज वरदान दिया है, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव, जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है,
ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो, तब कहेंगे महावीर सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना, स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। ठीक है, और आज का स्लोगन है दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। तपस्या दृढ़ संकल्प, कोई व्रत टूटे नहीं उसको कहते हैं। तो हमारी दिल एक बाबा में लगी रहे, बाबा ने कही तपस्या है, सच में यही तपस्या है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।